नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बावल नगर पालिका चुनाव की। बावल नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में पहुंचे हैं। कस्बे का यह मोहल्ला होली चोटा के नाम से जाना जाता है। 19 जून को प्रधान पद से लेकर 13 में से 12 वार्ड के लिए मतदान होता है। देवेंद्र सिंह पहले ही 6 नंबर वार्ड के लिए निर्विरोध चुने जा चुके हैं। जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, चुनावी तपिस भी लगातार बढ़ती जा रही है। पहले आपको तस्वीरों में दिखाते हैं किस तरह से वार्ड नंबर 7, जो कि पूर्व प्रधान का वार्ड है, किस तरह से बदहाल है। रोड के नाम पर महज रोड़ी देखी जा सकती है, वहीं बदहाल स्थिति किसी से छिपी नहीं है। यूं तो सरकार की ओर से विकास के नाम पर बीते 5 साल के दौरान तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोगों के मुद्दे आज भी सीवर, पानी व स्ट्रीट लाइट के बने हुए हैं, कहीं न कहीं बीते 5 साल में हुए विकास कार्यों के नाम पर भी सवाल खड़े होते हैं। बावल प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का गृह क्षेत्र है। ऐसे में यूं तो करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का दावा होता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ के हालात दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इन दावों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब यहाँ के लोगों से ही सुनते हैं आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, समाधान नहीं होने के पीछे कारण क्या है, आखिर लोग तमाम दावों पर विश्वास कितना करते हैं। इसके अलावा आने वाले चुनाव में उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं और इसको लेकर वह क्या सोचते हैं। मतदान होना है तो क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार आपके? सुहान, रास्तों की हालत खराब है, ना सीवर सही है, ना लाइटों का सही वो है, सीसीटीवी कैमरे होने, अपराधों की संख्या बढ़ रही है। और जो अब तक जो विधायक था उसने भी ध्यान नहीं दिया बावल की तरफ, और यहाँ राजकुमार दीनदयाल सैनी जी अच्छे प्रत्याशी हैं और जनता के लिए पूरे। मुद्दे क्या हैं आखिर, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? मुद्दा विकास का ही है, बावल में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है 5-7 साल। ऐसे वो क्या कार्य हैं जो हो जाने चाहिए थे पूरे और नहीं हो पाए, जिसकी आप लोग उम्मीद रखते थे कि होने? यही पूरी सुविधा होनी चाहिए, रास्तों की सीवर लाइन है ये सही नहीं है, बारिश का पानी है वो जग जग ब्लॉक हो जाता है। इस चुनाव से क्या उम्मीद है? पहली बार सीधे प्रधान पद का चुनाव हो रहा है, क्या उम्मीदें रखते हैं आप इसमें? जी मुकाबला जो अच्छा प्रत्याशी है, जिसको ना पक्षपात करेगा और ये धन बल दल की उसकी वो करते हैं, ऐसा प्रत्याशी विकास नहीं करता, वो सिर्फ अपना हित साधता है। इंद्रजीत, इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दे पर आप वोट करेंगे? सर सीवर लाइन, पानी, बिजली, पानी सब कुछ यहाँ नोटिस है। सरकार तमाम दावे करती है, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, सीवर की बात करें या पानी की बात करें या फिर स्ट्रीट लाइट की बात करें, तो कितने सहमत है कि कितने विकास कार्य? काम कोई नहीं करती, दावा तो दुनिया करती है, काम होना चाहिए, काम नहीं हो रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल सैनी है। इस चुनाव में आखिर क्या मुद्दे हैं आपके, जिसको आप लेकर यूथ हैं आप, तो क्या सोचते हैं कि किस तरह का प्रधान इस चुनाव में होना चाहिए? हमें जो बावल का विकास करे ऐसा प्रधान चाहिए। यहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत से सीवर लाइन बिछी थी, वो सीवर लाइन सारी फेल है, सड़कों में से पानी निकलता है, सब परेशान है, और ना तो स्ट्रीट लाइट जलती है, सब बंद है, और सड़कों का हाल आप देख सकते हो। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल प्रदेश में मंत्री हैं, लोकल विधायक हैं, कितने काम करा पाए आखिर? उन्होंने एक कैमरे लगाए थे, वो कैमरे आज भी बंद है। पहली बार सीधा चुनाव हो रहा है नगर परिषद प्रधान के लिए, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी, आखिर क्या वो मुद्दे हैं जो समाधान होना चाहिए जिनका? हम उसको वोट देंगे जो हमारे बावल का विकास करे। मेन मुद्दा हमारा ये है, यहाँ के लोगों की सुनवाई नहीं होती है, बस हवाई दावे किए जाते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, और कुछ नहीं किया जाता यहाँ पे। हम वार्ड 7 में, वार्ड 7 के मुद्दे क्या हैं? वार्ड 7 में सड़कों की समस्या है, पानी की समस्या है, पानी आता है कभी नहीं आता है, और सीवर की समस्या है, कभी ये ढक्कन टूट जाते हैं, दुर्घटना होती है इनसे, सीवर भी डैमेज हो जाते हैं कभी कभी। आप यूथ हैं, रोजगार को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि तमाम इंडस्ट्री यहाँ पर मौजूद है, बावजूद इसके कुछ लोग युवा यहाँ पे लोगों का कोई प्रयास नहीं है, यहाँ के जो लोकल है उनको यहाँ पे कंपनी में लगाया जाए, सब बाहर के हैं, बाहर के रहते हैं, यहाँ पे कोई प्रयास नहीं कर रहा, मंत्री जी का भी कोई ऐसा प्रयास नहीं है, उनको गठबंधन सरकार में कहा था 75%, वो भी कोई लागू नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे सब बाहर के हैं, यहाँ पर कोई रोजगार की वो नहीं है, सब बहुत ज़्यादा समस्या है रोजगार की। आपका पार्षद की बात करें या प्रधान की बात करें, किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए? हमें प्रधान जो हमारे बावल के युवाओं के बारे में भी सोचे और बावल का विकास करे। आपके वार्ड के क्या मुद्दे हैं और किस तरह से उनका समाधान हो जाना चाहिए था और नहीं हो पाया है? वार्ड में फिलहाल तो मुद्दे हैं, सड़कें टूटी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं
जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, नालियां भरी हुई हैं, ना सफाई कर्मचारी है। ज़्यादातर सरकारी ऑफिसों में सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी वार्ड के लिए सबसे पहले तो गंदगी भरी रहती है, गंदगी से बीमारी फैलती है। नालियां टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। कहने को तो ये बावल नगर पालिका धनी नगर पालिका है, लेकिन यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या न के बराबर है। बावल का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तमाम मुद्दे पानी की बात करें या सड़कों की बात करें, आखिर समाधान नहीं होने के पीछे क्या कारण दिखता है? समाधान होने के पीछे ये है कि अधिकारियों की और ठेकेदारों की मिली भगत के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। जब ऊपर से एक रुपये चलता है तो जनता के पास वो 10 पैसे तक पहुँच पा रहे हैं, 90 पैसे बीच के कर्मचारी अधिकारी मिलकर खा जाते हैं। जनता जैसी थी वैसी की वैसी दरिद्र थी, आज भी दरिद्र है। अब ये लोग जो बड़े बड़े चुनावी वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े देशभक्ति के नाटक चला रहे हैं, ये बड़े बड़े शो कर रहे हैं, ये सब ढकोसला है। कुछ लोग इस तरह के दावे कर रहे हैं कि हम कंपनियों में नौकरी लगवाएंगे। एक नगर पालिका चेयरमैन के पास ये पावर कहाँ से आ गई वो कंपनी वालों को नौकरी लगा दे। 19 जून को मतदान होना है, तो किस तरह के मुद्दे रहेंगे, किस तरह के आप वोट करें, किन मुद्दों को लेकर वोट करें? मुद्दा पहली बात तो ये है जी, जो सरकार से समर्थित उम्मीदवार होगा वही विकास कार्य कर सकता है। कुछ लोग सरकार से अपोजिशन में होकर और सरकार से बड़े बनकर चुनाव लड़ रहे हैं और हम ये करेंगे, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है। बिना सरकार के समर्थन गए अभी पहले 6 पार्षद थे अपोजिशन में, ये जो वार्ड है 6 और 7 संयुक्त रूप से मिला जुला वार्ड है। 2 पार्षद 6 वार्ड से एक हार के नॉमिनेट किया गया था और एक जीत गया था। 2-2 पार्षद होते हुए यहाँ पर ना सफाई व्यवस्था ठीक है, ना सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, सड़कें टूटी है, नाली गंदगी से भरी हुई है, और ये बोल रहे हैं वार्ड टू वार्ड CCTV कैमरे लगाएंगे। जो कैमरे जो जनता के खून पसीने का टैक्स का पैसा था, करीबन 62 लाख रुपए के जो लगाए गए थे, जो ढिंडोरा पिटा गया था, वो सारे के सारे खराब पड़े हैं। व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है बाजार के बीच में, जब कैमरे जांच करते हैं तो सारे ठप है। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, तो सुरक्षा को किस तरह से देखते हैं कि सुरक्षा आखिर कितना बड़ा मुद्दा है चुनाव? सुरक्षा तो सर मेन मुद्दा ही है, जो व्यापारियों लोगों से देश चलता है, हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं व्यापारी लोग, वही भय और दहशत के साए में आए दिन फिरौती मांगी जा रही है, डर के साए में जी रहे हैं व्यापारी। महिलाएं हैं चैन से नीचे, इनकी बाजार में घटनाएं बढ़ रही हैं। भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो या जजपा हो, सभी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। चुनावी गणित पार्टी के लिहाज से और जातीय समीकरण किस तरह से देखते हैं? जातीय समीकरण सर मेन मुद्दा जातियों के आधार पर ही होगा। प्रधान का जो चुनाव है मेन जातिगत आधार पर ही चुनेंगे, क्योंकि इन मुद्दों में राष्ट्रीय मुद्दे कोई मायने नहीं रखते, ना मोदी को राहुल गांधी को समझ के वोट करेंगे। लोग लोकल मुद्दों को, जो यहाँ की ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो यहाँ की ज़मीन से जुड़े हुए समाधान करें, लोगों के बीच रहे, लगभग 1000 के करीब नए मतदाता हैं, उनसे पूछ लो, बोले हम चेहरा देख के काम करेंगे। चेहरा भाई जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं उनको तो आप चेहरा भी देख सकते हो, देख चुके हो, उनका कर्म भी देख चुके हो, क्या अब नए लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए?